वीडियो डांसर्स या देख रहे होंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी मीटअप में बुलाइए तो कम से कम इंस्टाग्राम पर जब मैसेज करते हैं तो रिप्लाई दे दीजिए प्लीज। आपसे यही गुजारिश है कि मतलब रिप्लाई दे देते हैं तो मालूम चले, जैसे अभी के डेट में भी यहाँ पर पार्क जो है बंद है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इंस्टाग्राम पर रिप्लाई मतलब मैसेज कर रहे हैं कि पार्क यहाँ पर बंद है, क्या मतलब काम मीटअप होगा, लेकिन आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज आप ये देख सकते हैं दोस्तों। अभी डांसर्स आते भी हमने इन्फॉर्म करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कॉल किए थे, आप देख सकते हैं ये इसमें इंस्टाग्राम पर उनको कॉल भी किए थे और उनको कुछ लिख के ही भेजे थे, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और यहाँ हम लोग जब पहुँचे थे क्योंकि हम लोग को पता चला कि यहाँ पे जो गांधी मैदान है वो बंद है क्योंकि यहाँ पे परेड चल रहा है और 26 जनवरी के बाद खुलेगा। तो साधा जैसे यही कहना चाहते हैं कि यदि कोई आपको कुछ मैसेज करता है तो उसको रिप्लाई दीजिए, ना तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही बस इतना ही कहना चाहेंगे, देख सकते हैं अभी तक भैया लोग पहुँचे नहीं, सातन भैया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि देख सकते हो मनोज भाई डांसर सनातन भाई जो है वो मीटअप रखने वाले थे गांधी मैदान में, वो आज 11 तारीख 11 बजे को आने वाले थे बट गांधी मैदान किसी कारणवश जो है आज बंद है। आज देख सकते हैं ब्लॉगर भाई लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं अभी और एक मन में आस लेकर आए हुए हैं जो डांसर सनातन भाई से हमको मिलना है, और छोटे क्रिएटर जितने भी होते हैं उन सभी के मन में आस होता है जो कोई भी बड़ा क्रिएटर आ रहा हो तो उसे मिले। तो आप लोग देख सकते हो ये गांधी मैदान के पास अभी हम हैं, गांधी मैदान अभी थोड़ा बंद है क्योंकि यहाँ पे 26 जनवरी का परेड चल रहा है। आप लोग इधर देख सकते हैं ये मेन रोड हो गया गांधी मैदान का और गांधी मैदान का ये गेट नंबर 10 हो गया। और ब्लॉगर भाई सब आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। क्या भाई आज कहाँ से आए हैं? बहुत दूर गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं, मन में क्या लेकर आए थे? जो उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारा वीडियो एक वायरल हो, डांसर सनातन से भेंट हो जाए, यही लेके आए हैं। अच्छा, अभी जो डांसर सनातन भाई नहीं आए इस पे क्या बोलना? अब यही बोलना चाहते हैं कि पार्क इसमें तो बंद है, डांसर सनातन से मैसेज कर रहे हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और रिप्लाई देते तो पता हो जाता कि कहाँ पर मीटअप है कहाँ पर नहीं है, और पता ना भैया कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। और उम्मीद लगाए हैं तो उनसे मिलेंगे और वीडियो मतलब वायरल होने का, और इतने आदमी आए देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं भाई ब्लॉगर। आप कहाँ से? हम पटना से, यहीं से आए हैं, पटना से ही। अच्छा, क्या ले, क्या चीज के लिए आए हैं? अरे डांसर सनातन भैया से मिलने आए हैं बट अभी, और गांधी मैदान बंद है और वो आए भी नहीं अभी तक। पहला तो गांधी मैदान बंद है और दूसरा अभी तक वो आए नहीं है, बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं अभी तक हम लोग। आएंगे, देख सकते हैं भैया जी आए। आप कहाँ से आए? एक्चुअली हम भी यहीं से हैं, पटना से हैं, पटना बस स्टैंड जो पुराना वाला मीठापुर बस स्टैंड है वहीं से आए हैं। हम भी ब्लॉगर हैं, चंदन इंडियन ब्लॉग से आते हैं। हम भी आए सनातन से मिलने के लिए लेकिन देखिए अभी आए नहीं है। मेरा भी वही है कि मिल लेंगे और उनसे वीडियो साथ बनाएंगे तो कुछ मेरा भी व्यू बढ़ेगा, और छोटे क्रिएटर के लिए बहुत फायदेमंद होगा, छोटे क्रिएटर के लिए बहुत फायदेमंद करेगा। जो बड़ा बड़ा फेस वैल्यू मिलता है उससे ही हम लोग का वीडियो मोनेटाइजेशन होता है, इसी के लिए हम लोग आए हैं। चलिए देखते हैं, आस लगाए हुए कि कब आएंगे, इंतजार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे, देखते हैं। अच्छा भैया, आप कितना मेहनत करके आए हो थोड़ा ये बता दीजिए। हम तो बहुत ज्यादा मेहनत से मिलने के लिए क्या मन में तवज्जो रहता है, उतना दूर से आए अगर नहीं मिल पाते हैं तो मन में बहुत ज्यादा दुख हो गया कि इतना दूर आए हैं। यहाँ से लमसम मान के चलिए कि 285 किलोमीटर दूर से आए हैं, वो भी ट्रेन से टेम्पो से यात्रा करके इतना ठंडी में आए हैं, तो समझ सकते हैं अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा दुख होगा कि डांसर सनातन से नहीं मिल पाए, और एक अंदर बहुत ज्यादा टाइप। और भैया देख सकते हैं सुबह सुबह आए एकदम इतना ठंडा, कहाँ से आए भैया? भैया जी हम तो आए हैं वैशाली जिला से, महुआ से, और 7 किलोमीटर अंदर से आए हैं। और दोस्तों हम घर से चले थे यहाँ पे, बहुत ठंडा था उस समय, 8 बज रहा था समय का और बहुत ही फॉग लगा हुआ था, तो हम लोग यही आशा में आए थे कि जाते हैं भैया सनातन जी से मिलते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और उनका फेस वैल्यू ज़्यादा है, पब्लिक उनको ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए हम लोग आए थे। और देख सकते हैं यहाँ पे आके रुके हुए हैं, और हम भी देख सकते हैं सेटअप लेके आए हुए, हम भी एक यूट्यूबर हैं, हमारा VS2 ब्लॉग चैनल का नाम है, और आए थे क्योंकि अभी तक 11 से ऊपर हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 11:30 हो गया, अभी तक सनातन भैया आए नहीं है, तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं, और हम लोग वेट करते हैं। और आप कहाँ से आए भैया? हम तो पटना ही लोकल हैं और आए थे भैया से मिलने के लिए, तो अभी तो एग्जैक्ट गांधी मैदान में बोल दिए हैं, गांधी मैदान में 12 नंबर गेट होता है, एक गेट नहीं है, तो किस गेट पे आने वाले हैं और क्या, गांधी मैदान के सारा गेट बंद है, अंदर में एंट्री भी नहीं कर सकता, तो हम लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। और सारे आज हमारे जितने भी मित्र हैं दोस्त हैं सारे आए हुए हैं आज भैया से मिलने के लिए, एक आस लेके आए हुए कि भैया से मिलेंगे तो कुछ मेरा चैनल ग्रो करेगा, और हम भी आए हुए उसी आस से कि मेरा भी चैनल ग्रो करेगा, भैया से मिलकर थोड़ा बहुत खुशी भी मिलेगा, तो देखते हैं भैया से मिल पाते हैं कि नहीं, और जैसा किस्मत, अगर किस्मत अच्छा रहेगा तो मिल पाएंगे, अगर किस्मत नहीं ठीक रहेगा तो नहीं मिल पाएंगे। चलिए थैंक यू, चलिए थैंक यू। देख सकते हैं आप लोग डांसर सनातन भाई से मिलने के लिए बहुत दूर दूर से भैया लोग आए हुए हैं, काफ़ी मशक्कत करके इतना ठंड में आए हैं। अगर आप डांसर सनातन भाई देख रहे हैं तो ज़रूर जो भी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं उनका रिप्लाई दीजिए। और देखिए जितने भी ब्लॉगर साहब भाई आए हैं इधर, AOC में से एक आए हैं भाई, बहुत दूर से आए, कहाँ से आए भैया? औरंगाबाद से आए हुए हैं। कब निकले थे? सुबह 5 बजे भोर में। अच्छा, कार से निकले थे, दिख ही नहीं रहा था रास्ते पे। अच्छा,
बच्चा भी तंग कर रही इधर अंदर गाड़ी में है, लेकिन मिल ही नहीं पाएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, सनातन भाई से मन में एक आस लेकर आए थे मिलना। हाँ हाँ, अभी नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दुख हो रहा है, इतना दूर से आए थे मिलने के लिए, नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब अभी के टाइम में लोग 10 बजे रजाई नहीं छोड़ता, हम 5 बजे सुबह भोर में जान जी 4 बजे से तैयारी किए थे निकलने के लिए, वो भी परिवार के साथ आए हुए थे। मिलने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे ना। अच्छा, और एक छोटा क्रिएटर के लिए क्या कहेंगे? हम लोग भी तो छोटा ही क्रिएटर है, अब तो वही आते तो बताते हम लोग के लिए, मार्गदर्शक बनते, इसीलिए तो हम लोग मीटअप के लिए आए हुए थे। ऐसा भी रहता कोई बड़ा क्रिएटर आता तो? बड़ा क्रिएटर आने पे थोड़ा छोटे क्रिएटर को उत्साह बढ़ता है कि वो भी आगे बढ़ सकता है, शायद उनके थ्रू ही मेरा भी चैनल ग्रो करे। देख सकते हैं भैया कितना दूर से आए, काफी मशक्कत करके, सुबह में इतना फॉग था जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। देख सकते हैं उधर काफी आप लोग को भीड़ देखने के लिए मिलेगा। मनोज असल सनातन भाई से मिलने के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास, लेकिन गांधी मैदान जो अभी बंद पड़ा हुआ है, देखिए अभी क्या होता है। तो सनातन भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल गांधी मैदान में आप पोस्ट अपडेट कीजिए हम कहाँ पे आ रहे हैं। गांधी मैदान में टोटल 12 गेट है, जिस गेट पर आ रहे हैं गेट का आप लोकेशन अपडेट दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूबर भाई आए हुए हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग सीधे जो है वेट कर रहे हैं बिल्कुल सनातन भाई से मिलने के लिए। जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं उन सभी के मन में आस होता है कोई बड़ा फेस आ रहा है तो उनसे मिले और जाने, और अपना जो है थोड़ा बहुत चैनल का रीच हो, ग्रो हो, वो आस रहता मन में वो जगह। तो आप लोग भी जहाँ कहीं भी हो गांधी मैदान का पोस्ट अपडेट कीजिए। बाय द वे, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।